इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग कैसे करें, तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। अगर आप फ़ोन में इनबिल्ट इंटरनल साउंड रिकॉर्डर नहीं है तो आप साउंड रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो। तो आप सभी को तो पता होगा एंड्रॉयड 10 क्या भाई, आपको इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है वरना नहीं मिलता। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ़ोन है इसमें एंड्रॉयड 7 है, देख लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आज मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा जिससे कि आप एंड्रॉयड में इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको जो भी इजी रखे वो पिकअप कर लेना। तो फटाफट से मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला स्टेप है, इसके लिए आपको एक हेडफोन चाहिए होगा, यानी ईयरफोन जो भी आप यूज़ करते हो, वाइड ईयरफोन जो भी सस्ता हो या महंगा ईयरफोन चाहिए तो उसको ले लेना है। जो ईयरफोन का माइक, यानी माइक वाला ईयरफोन रहना चाहिए, यानी जो 4 पिन रहते हैं उस तरह से ईयरफोन रहना चाहिए 4 पिन वाला। तो इसको आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में कनेक्ट करना है जहाँ पे पिन लगता है। उसके बाद आपको ये जो बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना है। आप जैसा ही प्रेस करोगे तो आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट चालू होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसा। तो गूगल असिस्टेंट इस तरह से चालू होना चाहिए, जैसे आप बटन प्रेस करोगे माइक के नीचे वाला, तो आपके पास गूगल असिस्टेंट प्रेस होना चाहिए। इस तरह से आपके स्क्रीन आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा तो आपको जो बटन को है प्रेस कर देना है, यानी हमेशा के लिए कुछ टेप मार देना या क्लिप लगा देना है, हमेशा के वास्ते वो जो बटन है हमेशा के वास्ते प्रेस रहना चाहिए, यानी वो बटन प्रेस रहना चाहिए यानी ऑन रहना चाहिए। तो आप इस जो भी साउंड रिकॉर्डर यूज़ करते हो इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखना माइक की, माइक्रोफोन की। उसके बाद जो कोई भी आप गेम प्ले या कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो साउंड, तो साउंड रिकॉर्ड करके देखना, आपकी साउंड रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैं इसलिए नहीं टेस्ट करा क्योंकि मेरा जो ईयरफोन का जो पिन है फ़ोन का वो ख़राब है। आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं। तो सेकेंड ट्रिक है, इसमें हम यूज़ करने वाले ऑक्स केबल। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐप की लिंक दूँगा, जो कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, उस पर मैं ऐप दे दूँगा। तो आपको कुछ इस तरह से ऑक्स का केबल ले लेना है। ऑक्स केबल ले लेने के बाद आपको जो ऐप है ये इंस्टॉल रहेगा, तो आपको ये दोनों फ़ोन के बीच में ऑक्स केबल को कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद जो कोई भी यहाँ पे जो हमारा ऑक्स केबल है इसको कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे जो हमारा ऐप है वो डिटेक्ट कर लेगा इसको, ये वाला ऐप नहीं दूसरा वाला ऐप है वो मैं दे दूँगा, ये गलती से मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो ऐप में डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाएगा, लास्ट में बताऊँगा मैं कैसा कनेक्ट होगा। उसके बाद जैसा ही यहाँ पे कोई भी साउंड प्ले करोगे तो ये आपके फ़ोन में रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये जो हमारा आउटपुट है ये हमारा इनपुट है। तो आप इस तरह से भी गेम्स वगैरह खेल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जो है हमारा थर्ड स्टेप, जिससे हम USB से साउंड रिकॉर्ड करेंगे जो कि हाई क्वालिटी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फोन्स लेने पड़ेंगे सेम। उसके बाद जो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। जो ये हमारा इनपुट है या हमारा आउटपुट है, तो दोनों सेटिंग्स में आपको OTG सर्च कर लेना है। तो हो सकता है ऑप्शन आपके पास चालू हो या ना हो, फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है, OTG यहाँ पे सर्च कर लेना है। दोनों फोन्स में OTG को अनेबल करना है। यहाँ पे मेरे पास अनेबल था पहले से, ये डिसेबल रहेगा आपके पास, इसको अनेबल कर लेना है दोनों फोन्स में। तो इसको हम अनेबल कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है बैक जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक OTG लेना है। OTG केबल कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। तो OTG केबल पे जो है एक तरफ माइक्रो USB रहेगा, एक तरफ USB रहेगा। उससे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि App 1 है, इसकी भी लिंक मैं दे दूँगा, जिससे कि जो डायरेक्ट लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना App 1 की लिंक, जिससे आप USB रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना है। अगर आपके पास डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो यहाँ पे जो अबाउट फ़ोन में जाके जो बिल नंबर रहता है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है 7, 8, 9, 10 टाइम्स। जितने बार भी क्लिक करोगे डेवलपर ऑप्शन का, वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑन हो चुका है बिल के। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। यहाँ पे सबके पास अलग अलग जो है सिस्टम रहता है, तो आपके हिसाब से आप देख लेना। बाकी यहाँ पे हमने इसको ऑन कर, यहाँ पे जो है इसको इतना ही रख देना है। अब यहाँ पे हम केबल्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं केबल ले लेता हूँ जो हमारा OTG केबल है। तो OTG केबल कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखिए एक तरफ माइक्रो USB है, एक तरफ है हमारा USB मेल, ये फीमेल इसको हम कहते हैं। तो इसको आपको कनेक्ट करना है जो आउटपुट, जो हमारा इनपुट डिवाइस है जहाँ से हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको एक चार्जिंग केबल लेना है, USB माइक्रो USB 2 USB, जो कि नॉर्मल हर किसी के घर में होता है।
तो इसको आपको क्या करना है, एक वाला जो है यहाँ पे कनेक्ट करना है हमारा जो आउटपुट डिवाइस है, और दूसरा वाला इधर जो हमारा और इनपुट डिवाइस है वहाँ पे कनेक्ट कर देना। आप समझ रहे होंगे बहुत बढ़िया से, जो है प्लग्स को जो दोनों एंड से उसको एक साथ जोड़ देना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जोड़ देना है। तो अच्छे से इसको जोड़ देना, वरना साउंड अच्छी रिकॉर्ड नहीं होगी, फिर बाद में मत कहना है साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। उसके बाद आपको जो हमारा आउटपुट वाला फ़ोन है इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि क्या इसका नाम होगा USB सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा, तो इसके लिए हमको अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा पहले USB। तो मैंने फिर से यहाँ से अच्छे से कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा USB कनेक्टेड बोल के, ये नोटिफिकेशन आना चाहिए आपके पास भी। तो जैसा ये नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे एक सेटिंग जो एनेबल रहेगी MTF ट्रांसफ़र बोल के, तो उससे आपको यहाँ पे ऑडियो सोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको नीचे ऑडियो सोर्स दिखेगा, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका काम हो गया, आपको मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करके बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑडियो सोर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे ऑडियो डिटेक्ट भी होगा, जो मतलब हमारा डिवाइस है यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा डिवाइस है CPH1729 यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। यहाँ पे हम ऑडियो को स्टूडियो पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेटिंग में आपको ऑडियो को मोनो से स्टूडियो करना है, इससे लेफ्ट और राइट दोनों जगह ऑडियो रिकॉर्ड होगा। तब हम यहाँ पे मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगा, जो हमारा आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे म्यूज़िक चला के मैं आपको बताऊंगा कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैं म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको वेव्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो रिकॉर्ड होते होते इसको सुनना भी है तो आप ईयरफोन केबल भी लगा के सुन सकते हो, यानी लाइव साउंड जिसे हम कहते हैं। यहाँ से आउटपुट भी होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड भी होगा और लाइव साउंड आपको भी मिलेगी। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमारा इनपुट वाला फ़ोन है वहाँ पे आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो लेफ्ट साइड में बटन दिख रहा है स्पीकर है, उसके ऊपर आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लाइव साउंड को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लाइव साउंड दिख रहा है आपको, लाइव साउंड पे अगर आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन भी है उससे भी आप लाइव साउंड को सुन सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको पहले तो म्यूज़िक प्ले करके बताऊँगा। तो यहाँ पे कुछ एक एक बार APK सही से काम नहीं करेगा, उसको संभाल लेना। तो यहाँ पे आप देखिए मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ, यहाँ पे वेव्स वगैरह आ जाएंगे, इसका मतलब हमारा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमारा साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये साउंड आपको सुनी आ रही होंगी, मैंने कनेक्ट कर लिया था। तो अब मैं आपको कुछ गेम प्ले भी करके बताऊँगा, जिससे कि आपको वीडियो क्वालिटी का पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कौन सा तो छोटा सा गेम इंस्टॉल कर लेता हूँ, या सॉरी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फ़ोन को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखे यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक जो फटाफट से कोई साथ हुई गेम चालू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास GTA San Andreas से, तो यहाँ पे देखिए इसकी साउंड भी आना स्टार्ट हो गया, तो आप सुन सक रहे होंगे इसकी साउंड। तो यहाँ पे मैं GTA जो गेम है वो खेल रहा हूँ, तो इसकी कार चलाने की और व्हीकल्स की साउंड आपको क्लियर आ रही होंगी। तो आप हो सकता है आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर ना आए, क्योंकि मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डर से भी चला रहा हूँ और वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो क्वालिटी में आपको थोड़ा फ़र्क दिखेगा। लेकिन अगर आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आप फ़र्क नहीं दिखेगा, आपको ओरिजिनल क्वालिटी ही मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने साउंड को रिकॉर्ड कर लिया। आप यहाँ पे इस तरह से गेम्स मूवीज़ वगैरह कुछ भी साउंड के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये तीन तरीके थे जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से आप इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूज़िक भी मैं आपको फिर एक बार चला के दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए वेव्स जो बाहर है हमारे, जो म्यूज़िक बंद करके तो स्टॉप हो जाएंगे। तब मैं आपको बताऊँगा जो मैंने डिफरेंस बताया था AP में, जो ऑक्स केबल को हम ये जो USB वाला है, जो USB वाला मेथड है उसके लिए हम ये सादा ऐप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो इसको हम APK 2 के नाम से जानेंगे, सॉरी APK 1 के नाम से जानेंगे। तो अगर आपको USB से साउंड रिकॉर्ड करना है तो APK 1 डाउनलोड करना, अगर आप ऑक्स केबल से डाउनलोड कर रहे हो तो APK 2 को डाउनलोड करना। तो ऑक्स केबल में क्या आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, मेरा सजेशन रहेगा आप APK 2 ही इंस्टॉल करना, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि माइक हो गया, USB हो गया, ब्लूटूथ से भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और HDMI केबल से अगर आप कोई इंटरफेरेंस डिवाइस है उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और हेडफोन माइक वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एक बात, अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए इसका, जिसमें आपको हाई क्वालिटी वीडियो
इंस्टॉल करने को दिखे तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उसको आपको परचेस करना पड़ेगा, वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। उसकी लिंक मैं गूगल की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक बार आपके डिवाइसेस के इनपुट के हिसाब से आप अलग अलग केबल्स कन्वर्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइटनिंग केबल हो गया, या ऑक्स केबल हो गया, या यूएसबी टाइप सी केबल हो गया, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग आते हैं कन्वर्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टू वन एंड ऑल। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह रही तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।